Hello friends, today our topic is cascading style sheets, and in this lecture we are going to discuss some main concept related to cascading style sheet. And as you know, this is the third part of CSS, so let's start. So students, जैसे आप जानते हैं कि CSS का use web page को decorate करने के लिए किया जाता है, और CSS एक टेक्स्ट फाइल ही होती है. बस आपको ये काम इतना करना है कि जब आप notepad में CSS की कोडिंग लिखें तो .css से सेव कर दें. ये तब होता है जब हम एक्सटर्नल CSS क्रिएट करते हैं. आप CSS को HTML प्रोग्राम के साथ भी लिख सकते हैं CSS की कोडिंग. तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि CSS के कितने टाइप्स हैं या किस कितने तीन तरीके से CSS स्टाइल शीट को इंसर्ट किया जा सकता है, तो थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं. यह है एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS. अभी से पहले हमने जो हमारे प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने जो यूज़ किया वो इंटरनल CSS यूज़ किया था. तो बेसिकली इंटरनल CSS को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है. स्टूडेंट को ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी आप कर सकते हो, तीनों ही आसान है. लेकिन जितने एग्जाम्पल दिए वो अभी हमने सब इंटरनल CSS के थ्रू ही दिए थे. तो इंटरनल CSS में आपको ये करना होता है कि आपको हेड सेक्शन में आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है. तो विद इन द स्टाइल टैग आपको कोडिंग लिखनी होती है CSS की. लेकिन हम थ्री डिफरेंट वेज से CSS की कोडिंग कर सकते हैं. यह है एक्सटर्नल CSS, सेकेंड है इंटरनल CSS और थर्ड है इनलाइन CSS. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल CSS को, उसके बाद इंटरनल को, और उसके पहले उसके बाद लास्ट में हम इनलाइन CSS को पढ़ेंगे. इससे पहले हम सेलेक्टर्स कैसे सेलेक्ट कर सकते, सेलेक्टर को आप ये हमने सिंटैक्स देखा इसका इससे पहले के वीडियोस में कि किस तरीके से सेलेक्टर डिसाइड किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ किस तरीके से अप्लाई की जाती है. तो ये हमने देखा. अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाके देखिए पहले, उसमें आपको क्लियरली आइडिया होगा. सेलेक्टर के बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो हमारा. आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम हमारा मेन फोकस है कि किस तरीके से CSS की फाइल को इंसर्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो थ्री डिफरेंट वेज हैं. सबसे पहले आता है एक्सटर्नल CSS. जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल CSS. सो विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. क्लियर. तो देखिए इसमें क्या है कि CSS की फाइल अलग बनेगी, HTML की एक अलग फाइल होगी, दोनों सेपरेट फाइल होंगी. और आपको जो भी CSS की फाइल में चेंजेस करोगे वो चेंजेस HTML की फाइल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब आप पेज को एग्जीक्यूट करोगे. तो और जैसे हम जानते हैं कि CSS का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम वेब पेज को डेकोरेट कर सकें, बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें, लुक एंड फील बेहतर कर सकें. इसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं. तो CSS की एक अलग फाइल बनाते हैं और HTML की अलग फाइल बनाते हैं. जो चेंजेस हम CSS की फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे वो चेंज हमारे HTML के वेब पेज पर दिखाई देंगे हमें. तो एक्सटर्नल CSS क्या है पहले इसको समझते हैं. विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल. तो आप एक फाइल चेंज करने से जब भी आपका एंटायर वेबसाइट है उसका लुक चेंज कर सकते हो. ये एक बड़ा एडवांटेज होता है जब कभी भी हम एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट है, ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड ए रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इनसाइड द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन. तो इस केस में चूंकि हमारी फाइल दोनों अलग अलग है, CSS की डिफरेंट फाइल है, ठीक है, और HTML की डिफरेंट फाइल है, तो हमें दोनों फाइल को लिंक करना होता है. और लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहां हमने HTML की कोडिंग की है वहां हेड सेक्शन के अंदर हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे. ठीक है, और विद इन द लिंक टैग हम लिंक एस्टेब्लिश कर देते हैं CSS का और HTML का. तो जो भी कुछ चेंज हम CSS फाइल में करेंगे वो सभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे आपके HTML फाइल के अंदर. तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल CSS. चलिए देखते हैं कोडिंग देखते हैं. तो एक एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS है. हम एक CSS फाइल बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, आपको जहां आपने HTML की फाइल बनाई है सपोज डेस्कटॉप पर, वहीं आप सिंपल एक CSS की फाइल बना लीजिए. CSS की फाइल के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है. नोटपैड में अभी आप बिगिनर है तो एक काम कीजिएगा, नोटपैड में ही आप CSS की कोडिंग कीजिए सिंपल, और डेस्कटॉप पर उसको सेव कर दीजिएगा. सेव कीजिएगा तो .css एक्सटेंशन दीजिएगा. तो .html एक्सटेंशन जब हम देते हैं तो HTML की फाइल होती है, .css एक्सटेंशन देंगे तो ऑब्वियसली CSS की फाइल होगी. तो एक CSS की फाइल क्रिएट हो जाएगी. उस फाइल का अपना एक नेम होगा, सपोज उस फाइल का नेम माई स्टाइल है. ठीक है, तो माई स्टाइल .css उस फाइल का नेम हो गया. अब उस माई स्टाइल .css को हमें अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना है, तो क्या करना पड़ेगा. देखिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है HTML के HTML से, उसके बाद हेड के अंदर आपको लिखना है लिंक टैग लिखना, याद रखिएगा.
जब कभी भी एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे तो लिंक लिखना है। लिंक के बाद फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है REL, REL की वैल्यू देनी है आपको स्टाइल शीट। अभी REL क्या है, REL का मतलब है रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को बताता है, तो रिलेशनशिप है इसकी स्टाइल शीट के साथ, तो REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। टाइप है इसका टेक्स्ट या CSS, तो हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट / CSS। और फिर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के लिए लिखा जाता है HREF, तो हम यहाँ रेफरेंस दे देंगे HREF इज इक्वल टू mystyle.css, क्योंकि दोनों की लोकेशन एक ही, तो फाइल का सिर्फ नेम देंगे तो भी आपका लिंक हो जाएगा। तो इसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपने एक एक्सटर्नल CSS फाइल बना रखी है वो आपकी HTML फाइल के साथ लिंक हो जाएगी, और जब वो आपकी HTML फाइल के साथ लिंक हो जाएगी तो जो भी चेंज आप CSS के अंदर करोगे, देखिए CSS में क्या है, CSS में सिर्फ वेब पेज को कैसे डेकोरेट किया जाता है ये बताया जाता है। तो आपने जो भी जिस तरीके से भी आपको वेब पेज को डेकोरेट करना है, जो भी इसकी इंटरनल कोडिंग है CSS की, तो वो सभी अप्लाई हो जाएगी कंप्लीट वेबसाइट पर। तो इसका एक एडवांटेज ये रहता है कि जब हम CSS के अंदर वो चेंजेस अप्लाई करते हैं तो जो हमारा HTML का कोड है उसका उससे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट फाइल है, ठीक है, तो वो अनअफेक्टेड रहती है। और हम सिर्फ एक फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस एंटायर वेबसाइट पर अप्लाई हो जाते हैं, एंटायर वेब पेज पर अप्लाई हो जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है इसका। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना ये होता है कि जहाँ हमने इसकी कोडिंग लिखी है HTML की, वहाँ हमें हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग में ये डिफाइन करना पड़ता है जो मैंने बताया REL, REL का मतलब रिलेशनशिप, तो REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट / CSS, और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हो गया mystyle.css, क्लियर। हेड को कर देंगे क्लोज, उसके बाद देन आफ्टर जैसा हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसमें जब हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है CSS फाइल होती है तो हमें को क्या करना होता है, हमको HTML फाइल में उसका लिंक देना होता है। इसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर किया भी हुआ है लिंक REL, REL का मीनिंग है यहाँ पर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बताया हमने, स्टाइल शीट है, टैप टाइप दी है टेक्स्ट / CSS, और HREF मिनिमम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस mystyle.css, तो फाइल का नेम mystyle है यहाँ पर। और ये टैग लिखा जाएगा हेड के अंदर, लिखा जाएगा आपको हेड टैग के अंदर डिफाइन किया जाएगा लिंक को। देन आफ्टर बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और जैसा हमारा प्रोग्राम होता है जनरली वैसा प्रोग्राम हम लिखेंगे। वैसे इसके अंदर एक नॉर्मली एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया गया। इसे समझाने के लिए आपको प्रोग्राम इसे बड़ा भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, ठीक है। तो है क्या कि हमारे पास एक अलग से एक फाइल है CSS की, इसका नेम है mystyle.css, और उसे हम लिंक कर देंगे लिंक टैब के हेल्प से। ये मेन इसका पॉइंट है, यहाँ पे देखिए नोट करके भी लिखा हुआ है, द REL स्टैंड फॉर रिलेशनशिप एंड इज अ प्रोबेबली वन ऑफ द की फीचर ऑफ द लिंक एलिमेंट। द वैल्यू डिनोट्स हाउ द आइटम बीइंग लिंक टू द रिलेटेड टू द कंटेनिंग डॉक्यूमेंट। तो जो अभी डॉक्यूमेंट हमारे पास है उससे जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है CSS का, ये किस तरीके से रिलेट कर रहा है, इसके लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो CSS फाइल होती है उसको हम लिंक कर देते हैं HTML फाइल के साथ लिंक टैग की हेल्प से। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये था हमारा एक्सटर्नल CSS। उससे एक्सटर्नल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि एक फाइल CSS की हमारी अलग होती है, सेपरेट होती है, ठीक है, और उसको हम लिंक कर देते हैं अपनी मेन फाइल से, यानी HTML फाइल से। तो जो भी चेंजेस होते हैं हम CSS फाइल के अंदर, जो भी हमारी कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे HTML फाइल में या वेब पेज पर फाइनली हमें दिखाई देता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि देखिए, आप एक्सटर्नल CSS में जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके वेब पेज में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका। अब बात ज़रा एक्सटर्नल स्टाइल शीट की भी कर लेते हैं, ये हम कहाँ लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड मस्ट बी सेव्ड विद द .css एक्सटेंशन। तो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लिख सकते हैं, नॉर्मली हम नोटपैड यूज़ करते हैं तो आप भी नोटपैड में लिख लीजिएगा, और जो फाइल का नेम है जब सेव करें उसे .css से सेव कर दीजिएगा, ठीक है। द एक्सटर्नल CSS फाइल .css फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपकी फाइल होगी CSS की उसमें कोई भी HTML का टैग यूज़ नहीं होना चाहिए। और ये एक एग्जांपल दे रखा है,
जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमारी एक फाइल थी माई स्टाइल डॉट सी एस एस, तो उसी की कोडिंग दे रखी है। देखिए बॉडी टैग पर अप्लाई किया है, बॉडी को इस समय हम सेलेक्टर बोलेंगे क्योंकि तो इसी पर ये सेटिंग अप्लाई की गई है। तो प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है, और ये वैल्यू दी है कॉलन के बाद हमने लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस फाइल में हम सिंपली देख सकते हैं कि माई स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल है हमारी, और बॉडी जैसे मैंने बताया सेलेक्टर है, प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश कलर, प्रॉपर्टी का नेम है लाइट ब्लू, सेमी कॉलन देखिए उसके बाद लगाना होता है हमें प्रॉपर्टी वैल्यू को कॉम्बिनेशन देने के बाद। प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, याद रखिएगा, और ये कोडिंग हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। तो इसके बाद H1 पर हमें अप्लाई सेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, तो H1 हो जाएगा सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट का साइन, उसके बाद कलर, कलर ले लिया नेवी, प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर कलर, कॉलन के बाद वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी नेवी, उसके बाद हमने सेमी कॉलन का साइन लगाना होता है उनको जैसे हम जानते हैं। और इसका भी हमें फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अप्लाई की है मार्जिन डैश लेफ्ट, और वैल्यू लिए इसकी 20 पिक्सल, तो मार्जिन डैश लेफ्ट कॉलर 20 पिक्सल px और फिर सेमी कॉलन और क्लास में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग की जाती है। ये एक्चुअली अभी ये जो आपकी सिर्फ css की फाइल है, ठीक है, और ये css की फाइल क्या अप्लाई कर रही है, इससे क्या सेटिंग अप्लाई हो रही है वेब पेज पर, वेब पेज पर ये अप्लाई हो रहा है कि आपका इससे जो वेब पेज होगा उसकी उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा, जो आपकी मेन आपकी हेडिंग है वेब पेज के अंदर आपकी वो नेवी कलर की होगी, और उसका मार्जिन लेफ्ट आपका 20 पिक्सल होगा। ये सेटिंग हमने अप्लाई कर दी css के थ्रू, ठीक है। अब चूंकि हमने माई css और html फाइल दोनों को लिंक कर रखा है, तो जो भी हमने यहाँ अप्लाई किया है वो सेम इफेक्ट आपको शो होंगे जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, वेब पेज का वेब पेज देखोगे आप, आउटपुट देखोगे तब। तो ये एक्सटर्नल css का एग्जाम्पल था। तो हमने एक css की फाइल अलग से बनाई, उसमें css की कोडिंग कर दी। css की कोडिंग वही होगी जो इंटरनल css में हम माई स्टाइल टैग के अंदर करते थे, ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है इसमें हमने अलग एक पेज में नोटपैड की फाइल में उसकी कोडिंग कर दी, उसे डॉट css से सेव कर दिया, उसका लिंक दे दिया हमने html में। तो ये था आपका एक्सटर्नल css। अब बात करते हैं इंटरनल css। आई होप समझ में आ चुका होगा आपका एक्सटर्नल css क्या है। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। एक्सटर्नल css का मतलब है कि html का कोड अलग लिखा जाएगा, css का कोड अलग लिखा जाएगा। css का जो कोड लिखा जाएगा वो भी आप नोटपैड में लिखिए, जनरली हम नोटपैड में लिखते हैं, तो बस सेव कर दीजिए उसे डॉट css से। html के कोड को लिखेंगे हम, html के कोड को हम डॉट सेव करेंगे डॉट css, फाइल नेम डॉट css से, फाइल नेम डॉट सॉरी html से। तो एक html की फाइल हो जाएगी, एक हमारी css की फाइल हो जाएगी। दोनों फाइल को लिंक करने के लिए हम html के अंदर लिंक टैग का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी आपको, और उसके बाद दोनों फाइल इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। तो जो भी सेटिंग है आपकी, जो भी आपने चेंजेस अप्लाई किए हैं माई जो आपने सी एस एस फाइल के अंदर, तो वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे आपको अपने वेब पेज के अंदर। तो ये था हमारा एक्सटर्नल सी एस एस। अब बात करते हैं इंटरनल सी एस एस की। जैसा कि नेम बता रहा है आपका इंटरनल सी एस एस, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आपको अलग से कोई सी एस एस की फाइल नहीं बनानी है, जबकि आपको एस टी एम एल की जहाँ कोडिंग है वहीं आपको सी एस एस की कोडिंग भी करनी है, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज्ड इफ़ वन सिंगल एस टी एम एल पेजेस पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल एंड द इंटरनल सी एस एस इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर तो हमने पिछली बार भी यूज़ किया था लेकिन लिंक टैग को यूज़ किया था, इस बार आपको लिंक टैग यूज़ ना करके स्टाइल टैग यूज़ करना है, और विद इन द स्टाइल टैग आपको जो कोडिंग लिखनी है वो आपको सी एस एस की कोडिंग लिखनी है, जो आपने पिछली बार एक एक्सटर्नल फाइल में लिखी थी सेम कोडिंग आपको स्टाइल टैग के अंदर लिख देनी है। ऐसा करने से जब आप देखोगे तो ये आपका एग्जाम्पल कहलाएगा इंटरनल सी एस एस का। वैसे इंटरनल सी एस एस क्यों बोले, क्योंकि हमने कोई अलग से फाइल नहीं बनाई है, वो आपका एच टी एम एल फाइल का ही एक पार्ट है, क्लियर। और ये आपको याद रखिएगा स्टाइल टैग हम हेड के अंदर डिफाइन करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल पेज। ये देखिए आप अभी इसकी कोडिंग देखते हैं, एचटीएमएल हेड स्टाइल, स्टाइल में आप देखिए चूंकि ये इंटरनल हम सीएसएस कर रहे हैं, तो अभी आपको कोडिंग जो करनी होगी सीएसएस की वो एचटीएमएल के अंदर ही करनी होगी,
ठीक है। तो HTML में हम कोडिंग लिखते हैं तो HTML से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हेड, हेड के बाद आपको टैग यूज़ करना है स्टाइल, ये ध्यान रखिएगा। हेड के अंदर लिखनी है आपको कोडिंग, और हेड में भी आपको स्टाइल टैग के अंदर कोडिंग लिखनी है। जैसी कोडिंग थी पिछली बार, जैसे बॉडी हमने बैकग्राउंड कलर लिया था, पिछली बार अलग लिया था, इस बार चेंज कर लिया है, कलर भी चेंज कर लिया हमने, तो सेम ही रख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मेन पॉइंट ये है कि हम इसमें हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल को यूज़ करेंगे, और विद इन द स्टाइल टैग जो भी हम कोडिंग करेंगे वो किसकी होगी, CSS की कोडिंग होगी, अलग से कोडिंग नहीं करेंगे हम। HTML के कोड जहाँ हमने लिखा है, ठीक है, वहीं हम CSS का कोड भी लिखेंगे। और आपको उसके लिए करना सिर्फ इतना है, हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल टैग को यूज़ कीजिए और वहाँ CSS की कोडिंग लिख दीजिए, तो ये प्रोग्राम तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जहाँ तक रही सेव करने की बात, तो सेव तो आपको HTML की फाइल जैसे सेव करते हैं वैसे सेव करना होगा, .html करके, फाइल नेम .html, तो अलग से कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है CSS की आपको उस केस में। तो आप देख सकते हैं स्टाइल को क्लोज़ किया गया, उसके बाद हेड को क्लोज़ किया गया, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद बॉडी में अपनी कोडिंग होगी HTML वेब पेज की, वो भी देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आप क्लियरली आइडिया हो जाए, ये जो येलो कलर का रीज़न है ये आपके CSS की कोडिंग है, ठीक है, और ये हेड सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे, और बाकी जो कोडिंग है वो HTML की है। तो इससे थोड़ा सा ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि कौन सा HTML की कोडिंग है, कहाँ हमने CSS की कोडिंग की है। तो HTML के बाद हेड लिखेंगे, हेड के बाद स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हम कोडिंग लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे। बॉडी को स्टार्ट करने के बाद जनरली जो कोडिंग होती है वो कोडिंग हम लिखेंगे, जैसे H1 है, P है, जितना भी है वो हम लिख देंगे, अपना जो भी हमारी नॉर्मल कोडिंग होगी HTML की वो हम लिखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए इंटरनल CSS को इंटरनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप कोई अलग से एक्सटर्नल की एक्सटर्नल CSS की फाइल नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप CSS की कोडिंग भी HTML की कोडिंग के साथ ही कर रहे हो, ठीक है, उसी का एक पार्ट है आपका। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ आप HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं HTML, उसके बाद लिखते हैं हेड, तो हेड सेक्शन के बाद आप स्टाइल टैग को लिखिए, और स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर टैग है, तो स्टाइल टैग के अंदर आप CSS की कोडिंग लिख दीजिए, जितनी भी कोडिंग है वो सब कोडिंग लिख दीजिए। तो इस तरह से फिर उसके बाद तो फिर स्टाइल टैग को क्लोज़ करेंगे, हेड को क्लोज़ करेंगे, फिर बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में आपका मेन HTML का कोड रहेगा। तो मेन HTML का कोड रहेगा आपका बॉडी पार्ट, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर, और आपका CSS का पार्ट रहेगा आपका स्टाइल टैग के अंदर, जिसको हम है हेड के अंदर डिफाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा, स्टाइल को हेड के साथ अंदर डिफाइन करना है हमको। तो इस तरीके से हम दोनों को एक साथ एक ही साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे इंटरनल CSS बोला जाता है क्योंकि CSS को अलग से हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी में आप देखिए फिर लिखा हुआ है, हेडिंग है, दिस इज़ अ हेडिंग, पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो जो भी इस पर इफेक्ट है, जैसे हेडिंग को हमने कलर दे दिया, मैरून कलर दे दिया, 40 पिक्सल दे दिया, ठीक है, पैराग्राफ का भी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ तो कुछ अप्लाई नहीं किया, हाँ, लेकिन बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया है। तो ये आपको जब आप एग्जीक्यूट करोगे पेज को तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि हम इसे सेव कैसे करेंगे, ये आप HTML के फाइल का पार्ट है, तो आपको .html से ही सेव करना है, जो भी आपका फाइल नेम है, जैसे मैं अपना नाम दूंगा तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा, तो मैं सेव करूंगा प्रवीण.html, तो एक फाइल बन जाएगी प्रवीण नेम की, ये अलग बात है कि उसके अंदर CSS की भी कोडिंग है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसी के बाद बॉडी को क्लोज़ किया गया, देन आफ्टर HTML को क्लोज़ किया गया। तो अब बात करते हैं इनलाइन CSS की। अभी तक हमने ऑलरेडी टू टाइप्स की CSS को स्टडी कर लिया, एक तो एक्सटर्नल और सेकेंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल तो समझना बहुत आसान है, देखिए एक्सटर्नल जहाँ हमारी एक फाइल अलग से है CSS की, इंटरनल जहाँ हमको CSS की कोडिंग HTML के साथ ही इंप्लीमेंट करनी है। अब थर्ड कैटेगरी आती है इनलाइन, इसको देखते हैं। इनलाइन CSS एंड इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, ओके, एंड टू यूज टू इनलाइन स्टाइल एट द Style attribute to the relevant element, the style attribute can contain any CSS property. अब यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। अभी इंटरनल में हमने स्टाइल एज ए टैग यूज़ किया, स्टाइल वर्ड एज ए टैग यूज़ किया, यानी स्टाइल एक टैग था। इनलाइन CSS में स्टाइल एक टैग नहीं है, स्टाइल एक
एट्रीब्यूट है, तो एक एट्रीब्यूट की तरह हम यूज़ करते हैं जब हम इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं तो, ठीक है। तो स्टाइल एक टैग भी है और एक एट्रीब्यूट भी है। जब हम बात करते हैं इंटरनल की, तो इंटरनल में उसे हम एज ए टैग यूज़ करते हैं जैसे हमने किया, और इनलाइन में हम उसे एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो हम दिखाएंगे कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम इनलाइन स्टाइल को यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा एक सिर्फ से एक सिंगल एलिमेंट पर ही ये सेटिंग अप्लाई होती है, ठीक है, आपकी सीएसएस की कोडिंग अप्लाई होगी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि जब हम इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर रहे हैं तो इनलाइन सीएसएस में हम एक बार में सिर्फ एक एलिमेंट पर सीएसएस की कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि हम इसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम सीएसएस कोडिंग अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कैसे। एक एग्जांपल दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए, एचटीएमएल से स्टार्ट किया, ठीक है, हेड और टाइटल हो सकता है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बॉडी से स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम, तो उसके बाद बॉडी है। अब बॉडी के अंदर देखिए, अभी हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, H1 H1 टैग पर हम CSS की कोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे H1। अब हम स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो हमने लिखा H1 स्टाइल, और फिर जो भी इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन है वो देंगे। जैसे कलर देना है हमें ब्लू, टेक्स्ट देना है हमें टेक्स्ट अलाइन देना है हमें सेंटर, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का स्टाइल दे दिया हमने, कलर रेड दे दिया। तो आपने इसमें क्या किया, आपने इसी अंदर ये किया कि आपने हेडिंग का स्टाइल चेंज कर दिया, कलर चेंज कर, हेडिंग का स्टाइल चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज करने का मतलब उसका कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया इसका, पैराग्राफ का कलर आपने रेड कर दिया, और उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे और एचटीएमएल को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। देखिए, इंटरनल में आपने स्टाइल टैग का यूज़ किया था, ठीक, स्टाइल टैग को हमने हेड सेक्शन के अंदर यूज़ किया था। अब बात जब हम कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस की, तो इनलाइन सीएसएस की लिमिटेशन है कि हम पर्टिकुलर एक बार में किसी एक टैग पर ही सीएसएस की जो कोडिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा ये, इसके लिए हमें स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और जिस टैग पर भी हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ हमें स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करके सीएसएस की कोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जहाँ हमने स्टाइल को इंटरनल सीएसएस में स्टाइल टैग को यूज़ किया था हेड सेक्शन के अंदर, वहीं हम स्टाइल एट्रीब्यूट को इनलाइन के अंदर यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। यह ध्यान रखिए, ये देखिए पूरी कोडिंग बॉडी के अंदर है, बॉडी टैग के अंदर है इसके अंदर। अब देखिए, बॉडी टैग है, अब बॉडी के अंदर जब इनलाइन सीएसएस की बात हो रही है तो सब कुछ, सभी जितनी भी कोडिंग है वो बॉडी टैग के अंदर हो रही है। तो जैसे हमें हेडिंग पर H1 पर अप्लाई करना है, तो H1 पर हेडिंग है आपकी H1, तो उसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट अलाइन चेंज करना है, तो हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू ऑफ ए सीएसएस की कोडिंग, वही प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, तो प्रॉपर्टी है कलर, वैल्यू हो जाएगी ब्लू, फिर सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी टेक्स्ट डैश अलाइन, वैल्यू हो जाएगी सेंटर, तो हमने लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर, फिर सेमी कॉलन, फिर बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये सेटिंग अप्लाई कर दी। फिर हमको ये देना है सेम पैराग्राफ पर, तो पैराग्राफ पर दिया हमने तो लिखा पी स्टाइल कलर, अब पैराग्राफ का कलर दे दिया हमने रेड, तो हम लिखेंगे पी स्टाइल कलर कॉलन रेड, तो कलर हो जाएगा रेड आपका, ठीक है। और देखिए इसमें दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ हो जाएगा, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से ही हमारी इनलाइन सीएसएस की कोडिंग होगी। तो अभी मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ तीनों को। थ्री टाइप्स सीएसएस इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। एक्सटर्नल में हम सीएसएस की अलग फाइल बनाते हैं, उसको लिंक कर देते हैं हम एचटीएमएल की फाइल के साथ विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। जब हम इंटरनल सीएसएस करते हैं तो इंटरनल सीएसएस में हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के अंदर, और जब हम इनलाइन करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं, तो हम स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और इसकी एक लिमिटेशन ये है कि एक बार में सिर्फ एक टैग पर ही हम सीएसएस कोडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो
तीनों ही प्रोग्राम हैं आपके, जैसे मैंने बताया कि पहला तो बताया एक्सटर्नल का, दूसरा इंटरनल का, तीसरा ये इनलाइन का है। तो आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिएगा, आपको और थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा। जहाँ कहीं वीडियो में ये मैंने समझाया वहाँ वीडियो ऑलरेडी पॉज्ड ही है वहाँ पर स्क्रीन, तो वहाँ से जाके आप नोट डाउन करके एक बार लिख के इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या हम एक बार में एक से ज़्यादा स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम प्रोग्राम में हम एक्सटर्नल भी यूज़ करें इंटरनल भी यूज़ करें, क्या ये पॉसिबल है? और उसमें भी ये है कि हम एक ही टैग पर सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, CSS की कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इंटरनल का कंसीडर होगा या एक्सटर्नल की जो कोडिंग है वो कंसीडर होगी CSS की, ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एज्यूम दैट एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट हैज़ द फॉलोइंग स्टाइल फॉर द H1 एलिमेंट। तो H1 एलिमेंट के लिए कोडिंग दे रखी है H1 कलर नेवी, ठीक है। फिर हमने देख रखा है कि हमने इंटरनल CSS में भी सेटिंग अप्लाई कर रखी H1 कलर ऑरेंज, तो कलर हमने ऑरेंज दे दिया हेडिंग का, ठीक है। अभी क्या होगा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक्सटर्नल के लिए कोडिंग है, लिंक टैग यूज़ किया गया तो आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल में हमने इसके साथ इंटरनल भी है तो कलर ऑरेंज दे रखा है। तो अब इसमें एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है तो क्या होगा, दोनों जब एक ही में प्रोग्राम के अंदर होंगे, एक्सटर्नल भी होगी CSS और इंटरनल CSS भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पर अगर इंटरनल एक्सटर्नल से पहले आ रहा है, ठीक है, तो जो पहले आएगा वो आपका वो सेटिंग अप्लाई नहीं होगी, जो बाद में आएगा वो सेटिंग अप्लाई होगी आपकी। मतलब इंटरनल पहले आ रहा है एक्सटर्नल बाद में आ रहा है तो एक्सटर्नल की सेटिंग अप्लाई होगी, एक्सटर्नल पहले आ रहा है इंटरनल बाद में आ रहा है तो इंटरनल की सेटिंग अप्लाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोनों को लिखना तो हमें स्टाइल दोनों को लिखना तो हमें हेड सेक्शन के अंदर ही है, तो हेड सेक्शन के अंदर अगर आप लिंक टैग को पहले लिखते हो और स्टाइल टैग को बाद में, तो स्टाइल टैग का मतलब है कि आपने इंटरनल इसका इंटरनल CSS को यूज़ किया है तो फिर इंटरनल CSS अप्लाई होगा, और अगर इंटरनल को पहले लिखा है लिंक को बाद में लिखा है इसका मतलब तो फिर एक्सटर्नल पहले अप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर होता है इसका अगर हम दोनों एक ही प्रोग्राम के सेम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और क्लियर बता देता हूँ आपको इसके बारे में। और थर्ड पॉइंट ये है कि इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों ही आ जाएँ तो फिर क्या यूज़ होगा पहले। तो देखिए प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, अगर हम इनलाइन एक्सटर्नल इंटरनल तीनों यूज़ किए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो कोडिंग अप्लाई होगी वो इनलाइन की होगी, तो प्रायोरिटी मिलेगी उस समय इनलाइन को, ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर मिलेगी एक्सटर्नल इंटरनल को, दोनों की सेम रहेगी। ये डिपेंड करता है कि हेड सेक्शन में बाद में कौन आ रहा है, तो जो बाद में आएगा उसकी सेटिंग अप्लाई होगी। जैसे अगर लिंक पहले है और स्टाइल बाद में है तो स्टाइल का मतलब ऑब्वियसली स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हो तो इंटरनल है तो इंटरनल की इंटरनल CSS अप्लाई होगा, और अगर स्टाइल पहले लिखा है आपने लिंक बाद में लिखा है तो फिर एक्सटर्नल पहले अप्लाई होगा। और थर्ड होता है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट होगा वो फिर अप्लाई होगा। सो एन इनलाइन स्टाइल हैज़ द हाइस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल इंटरनल स्टाइल एंड ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। तो याद रखिएगा अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों को यूज़ कर रखा है तो फिर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इनलाइन की होगी। इनलाइन एक्सटर्नल को और इंटरनल को आपका ओवरराइड कर देगा, और एक ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट भी होता है, ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो थर्ड होता है आपका। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, आप भी कर सकते हैं जो आज मैंने पढ़ाया है आपको, अगले वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वेट कीजिएगा तब तक, उससे पहले आपको जो मैंने कोड बताए हैं उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। आज का सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन था इस टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।